पीनी है, गुड़ वाली चाय है। ओके दैट वाज अ जोक। मैं चाय पीता हूँ तो ऐसी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि मेरी वालिदा साहिबा को बहुत बहुत बुरी लगती है ये आवाज़। अच्छा, नाउ गेटिंग टू द पॉइंट। अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो थोड़ी सी मैं बातचीत करने लगा हूँ इसको आपने सुनना है। मुझे YouTube पे वीडियोस बनाते हुए 51 वीडियोस पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा भी कुछ वीडियोस हैं जो कि अब मेरी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। मैंने हर तरीके के जॉनरा को एक्सपेरिमेंट कर लिया है अपने हिसाब से। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, स्किट्स बनाए, व्लॉग्स बनाए, एजुकेशनल वीडियोस बनाई, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई, सॉन्ग्स, नातें, हर चीज़ अपलोड की है। और ये मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और नेचुरली होता भी चला गया। नाउ आई हैव एक्चुअली रीच्ड अ लैंडमार्क। और अब मुझे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि मेरा नीश क्या है इस चैनल के ऊपर, किस जॉनरा को मुझे फॉलो करना चाहिए। आई एम स्टक बिटवीन व्लॉगिंग, एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज। अब एक तरीका ये है कि मैं इस सब को जो है वो अपने चैनल पे इकट्ठा लेके चलूँ, और प्रॉबेबली मैं शायद करूँ भी यही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस नहीं डेवलप होगी अगर मैं किसी एक कैटेगरी को चूज़ नहीं करूँगा, और ऑडियंस डेवलप करना इज़ द गोल। तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू व्लॉग। अब आई हैव टेकन ऑन दिस चैलेंज, कह लें आप इसको, या एक आइडिया कह लें कि आई विल ट्राई टू व्लॉग फॉर अ कपल ऑफ टाइम्स नाउ। और मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता हूँ कि हाउ फार इज़ डेली व्लॉगिंग गोना टेक मी, बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज़। आई थिंक वो जो एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप चीज़ नहीं होती। समटाइम्स आई एम दिस रियली जॉली एंड हैप्पी पर्सन, एंड समटाइम्स आई एम दिस रियली सैड थियोलॉजिकल फिलोसफिकल person who looks at things very deeply and wants to express those ideas, and at some times I feel like this person who wants to share their experience of their educational and academic journey with people out there. So let's see where I fit in. Jis point pe mujhe ye lagega ki ab this person is not me anymore, I will stop. To isko hum experiment karke dekhte hain. I will try, and I just hope that eventually I find out where my niche stands. I eventually find out what category should I follow, what genre should this channel have. So with that, let's continue with this vlog. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। जाते जाते एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को और देना चाहता हूँ, और वो ये है कि सिंस आई विल बी व्लॉगिंग ऑफन, तो जो क्वालिटी मेरे वीडियोज़ में आप पहले देखते आ रहे थे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो क्वालिटी मेंटेन हो, लेकिन इन केस वो नहीं होती तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट इन एडवांस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आई डोंट रियली नो व्हाट टू नेम दिस राइट नाउ, देखते हैं। अभी फिलहाल वी आर गोइंग टू फिक्स इट। One eternity later. In this vlog, I'll be going and meeting one of my juniors who's a really good friend. और उसको थोड़ी सी advice चाहिए related to university applications वगैरह. तो we're gonna meet him and let's see how the vlog plays out. Assalamualaikum जी। तो अभी हम बैठे हैं लायलपुर गलेरिया में, और मेरे साथ हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो कि आपको दिखाई देते हैं। हमारे साथ हैं जी असगर, और ये भी मेरी तरह A-level स्टूडेंट हैं एंड ही इज़ गोइंग थ्रू द सेम जर्नी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे भी क्लियर नहीं थी, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जितना मैं गाइड कर सकता हूँ करूँ। तो अब हम गलेरिया आए हुए हैं और बस हम फ्री होने लगे हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। आई नोटिस्ड समथिंग इंटरेस्टिंग। आज बड़े अरसे बाद आसमान थोड़ा पता चल रहा है कि भाई नीला आसमान है, वरना अरसा ही हो गया था आसमान देखे हुए। अस्सलाम वालेकुम। सो आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू टेल ऑल ऑफ यू। आई एम नो वेट अ सेकंड, लेट मी गेट माय ब्रदर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, माफ कर भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। आई एम गोना स्टार्ट डेली व्लॉगिंग। Oh my God, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बस मसला ये है कि डेली व्लॉगिंग, I don't know it's sustainable or not. I'm gonna try, but I cannot promise if I will be able to, you know, upload vlogs daily. I cannot promise you if I will be able to upload vlogs daily, but let's just try it out. Okay guys, इससे पहले जाते-जाते प्रमोशन करते हुए जाते हैं इनविक्टस। नहीं, इनविक्टस इन कमेंट। तूने सर जो झुकाए उठाने नहीं देगी, सच बोल के पिलाएगी, फसाने नहीं देगी। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं बैडमिंटन खेलने। आलिन जरा अपनी शक्ल दिखाओ। यो मैं प्रो बंदा हूं बैडमिंटन में। छोटा लगता है ये मेरे सामने। अच्छा बस। तो गाइस ये बंदा आप जो देख रहे हैं अभी फिलहाल नाज़रीन हज़रात, ये है बैडमिंटन का नूब और मैं इसको बैडमिंटन सिखाने आया हूँ। अभी फिलहाल आप इसी बंदे को देख रहे हैं, मैं हूँ ही नहीं फ्रेम के अंदर। अच्छा इनको टूर नहीं कराना हमारे एरिना का, इतना पैसा लगाया हमने इसके ऊपर। ये पकड़ो जरा, मैं इनको टूर कराता हूँ। आइए आप लोगों को टूर कराया जाए। कहाँ से शुरू करें आलियान, आप टूर कराओ। ये ग्राउंड से शुरू करें आप। कोई नहीं, नीचे ही रहने दो, नीचे ही रहने दो। अभी पड़ी सही करके ना, हाँ टेक लगा के रख दो। मेरा फोन आलियान भाई ने जो है वो नीचे गिरा दिया है और अब वापस नीचे रख दिया है। ट्राइपॉड ने नीचे गिराया है। चाबियाँ कहाँ हैं? चाबियाँ। ओह नाइस। अच्छा कहाँ से स्टार्ट करें बताओ? तो स्टार्ट करते हैं दीवार से, एंड करते हैं दोस्तों से। हाँ आप जरा आपने ऊंचा बोलना है और जरा अच्छा सा टूर कराओ। अच्छा पकड़े, थोड़ा मिलके चलो गाइस। इधर। ये है आलीशान दीवार। ओह माय गॉड, इतनी ऊंची दीवार है। ओह माय गॉड, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, तो ये है ग्राउंड की हमारी रेत, पूरे पाकिस्तान की और हमारी अच्छी बैडमिंटन वाली रेत। देखिए तो जरा क्या प्यारी रेत। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग। की नेट है नहीं, नेट असल में मेंटेनेंस के लिए गया हुआ है। हमारे पास बड़ा महंगा नेट है, मेंटेन कराने के लिए उसको अमेरिका भेजना पड़ता है। गोल्ड वेल उसमें लगे हुए हैं, गोल्ड तारे हैं, गोल्ड प्लेटेड है सारा कुछ, पूरा गोल्ड प्लेटेड। तो एंड अभी एंड तो नहीं आया। ये हम लोगों का बना हुआ है पूरा बैडमिंटन का कोर्ट, एंड सड़क पे होता है और फिर सड़क आ जाती है। हाँ दोबारा गाइस, ये रैकेट्स हैं हम लोगों के। ये अब्दुल्ला भाई का, ये मेरा प्यारा वाला मेरा, यू नो। अच्छा तो ये हम लोगों ने $80 ईच के लिए, $80,000। ओ सॉरी, $80,000 ईच। तो गाइस, और शटल की भी प्राइस बता दो। हाँ शटल की प्राइस आप लोगों को पता नहीं है। शटल की प्राइस है $1,000,000। गोल्ड प्लेटेड शटल थी हमारी, हम लोगों ने इसका गोल्ड उतार दिया। एक्चुअल में वो बेचना था ना, इसीलिए हम अपने साथ किसी को खिलाते नहीं है। लोग आते हैं, हम उनको ना शटल पकड़ाने का भी हज़ार रुपया किराया लेते हैं। अच्छा अब हम खेलने लगे बैडमिंटन, तो अब आपको दिखाते हैं अपनी गेम टाइम लैप्स में। ये के देगी ये ज़माने नहीं देगी, तेरे सुरों पे ये भाई तुझे गाने नहीं देगी, तेरी मर्ज़ियाँ तुझे ये चलाने नहीं देगी, तुझे बेड़ियों में बांध लेगी, जाने नहीं देगी, सांस भी ये लेने के बहाने नहीं देगी, पर उम्मीद भी तो है जो डूब जाने नहीं देगी, और मंजिलों से नजरें जो हटाने नहीं देगी, आग दिल में जो है जलती वो बुझाने नहीं देगी, ख्वाबों को ये खाक में मिलाने नहीं देगी, किसी छोटी छोटी सोच में समाने नहीं देगी, अब बंदे ये नसीब के लगाने नहीं देगी, हथियार बीच जंग ये गिराने नहीं देगी, और कहानी में ये हार को ठिकाने नहीं देगी, देगी ये दुख भी कभी सुख भी, हाँ देगी ये, देगी हंसी रुलाएगी और खुद मनाएगी भी, रंगों में रंगेगी हमको सभी, देगी ये दुख भी कभी सुख भी, हाँ देगी ये, देगी हंसी रुलाएगी और खुद मनाएगी भी, रंगों में रंगेगी हमको सभी। अभी अभी हम कोशिश कर रहे थे कि बैडमिंटन खेलते हुए का टाइम लैप्स बनाएं, अब पता चला कि वो पूरी वीडियो बन गई है। क्या हुआ? देखिए चांद मुझे आंखें मार रहे ना। क्या हैं? आलन वो आपको नहीं, मुझे आंखें मार रहा है। तो बेसिकली सीन ये हुआ है कि हमने बैडमिंटन अभी खेलना था काफ़ी देर तक, लेकिन बाबा आए ऑफिस से और बाबा के हाथों में हमने देखा KFC का पैकेट और मज़ेदार फैमिली बॉक्स। तो गाइस पेट, हम लोगों का दिल नहीं माना लेकिन पेट मान गया, और पेट ने कहा चलें जी ऊपर चलते हैं वापस घर, ठंडा हो जाएगा KFC। क्या बताए आज का ये आज है पर कल ना हो, क्या मजा है जीत का जो हार के अगर ना हो, विसाली बेमानिए के बाद जो हिजर ना हो, बात गुल की हो तो कैसे कांटों का जिक्र ना हो, वो रास्ते ही कैसे जिन पे लुटने का ही डर ना हो, अधूरी लगती मंजिलें जो लंबा सा सफर ना हो, घर की उसको क्या कदर जो राह में दर बदर ना हो, है वक्त उससे बेखबर तू इससे बेसबर ना हो, ऐसी कोई शब्द नहीं कि जिसकी फिर सहर ना हो, हौसले तेरे कभी मायूसी की नजर ना हो, देर है अंधेर नामुमकिन नहीं असर ना हो, दिल से जो है निकली कैसे पार वो जिक्र ना हो, खुद ही बनना पड़ता आग से जो लड़ना हो, ख्वाब से चकरना पड़ता खुद ही उम्र भरना हो, सिमटी जाते फासले जो फासला तय करना हो, आगाज एक कदम से पहाड़ जो भी चढ़ना हो, देगी ये दुख भी कभी सुख भी, हाँ देगी ये देगी। आप लोग मुझे अब देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यू हैव मेड इट टू द एंड ऑफ द व्लॉग। इस व्लॉग का सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ था क्योंकि आई हैड सम क्लिप्स जो कि एडजस्ट नहीं हो रहे थे टाइमलाइन में, बट आई स्टिल पुट देम इन बिकॉज आई हैड टू गेट रिड ऑफ दिस क्लटर दैट वाज गोइंग ऑन, और इसके बाद से एक नए सिरे से प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस के साथ अब मैं व्लॉग बना सकूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर टिल द एंड एंड आई विल डेफिनेटली कैच ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट एंड न्यू एंड बेटर व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। हंसी रुलाएगी और खुद मनाएगी भी, रंगों में रंगेगी हमको सभी।